हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन को बोलने में दिक्कत आती है? क्या आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हैव बीन को कहाँ बोलें, हैज बीन कहाँ बोलें, हैड बीन कहाँ बोलें? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं आपको एक एक करके 6 यूजेस बताऊंगा, 6 यूजेस आई एम गोना टेल यू ऑफ हैव बीन, हैज बीन, मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको हैव बीन का पहला यूज बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग, तो मैंने प्रेजेंट में इस काम का होना बताया। इज आर एम जब हम बोलते हैं तो वो बताता है कि काम अभी हो रहा है, आई एम सिटिंग। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं एम को रिप्लेस कर दूंगा और वहाँ पर हैव बीन लगा दूंगा। आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 7 o'clock। अगर मुझे बोलना है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं 2015 से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015। वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, तो इज बता रहा है कि प्रेजेंट में वो खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। लेकिन अगर आपने बोला कि वो सुबह से खेल रहा है, तो आपने यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया, सुबह से मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम से वो खेल रहा है, तो इज को हटाओ, हैज़ बीन लगाओ, He has been playing since morning. अब मैं आपको हैव बीन का सबसे इंटरेस्टिंग यूज़ बताता हूँ, जो इसे बोलने में लोग ज़्यादातर गलती करते हैं। मैं जयपुर गया था, तो लोग बोलते हैं आई हैव गॉन टू जयपुर। मैं वैष्णो देवी 2 बार गया हूँ, तो गया हूँ की वजह से आई हैव गॉन टू वैष्णो देवी 2 times बोल देते हैं, आई हैव गॉन। लेकिन इसका मतलब हो गया कि आई हैव गॉन, मैं यहाँ से जा चुका हूँ, इसका मतलब आप यहाँ नहीं हो। अगर आप कहीं जाते हो और जाकर वहाँ से वापस लौट आते हो, तो उसको मुझे बोलना चाहिए आई हैव बीन करके, आई हैव बीन, और जिस जगह पर हम जाते हैं टू लगा कर जोड़ देंगे, आई हैव बीन टू वैष्णो देवी, आई हैव बीन टू जयपुर। अगर आप शिमला गए और वहाँ से होकर आ गए, आई हैव बीन टू शिमला। अभी हम पढ़ते हैव बीन और हैज़ बीन का तीसरा यूज़। हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, और हैज बीन सिंगुलर के साथ बोलना है आपको, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, जैसे ही शी, ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन। तीसरा यूज़ बताता हूँ मैं आपको, मैं बीमार हूँ, आई एम सिक। लेकिन अगर मुझे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से बताना है कि मैं यार 2 दिन से बीमार हूँ, अब 2 दिन लगा दिया आपने ना यहाँ पर, तो एम को हटाएंगे, हैव बीन लगा देंगे, आई हैव बीन सिक फॉर 2 days। मैं वह सोमवार से बीमार है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वहाँ पे हैज बीन लगाएंगे, ही हैज़ बीन सिक सिंस मंडे। हम लोग दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि हम लोग 10 साल से दोस्त हैं, 10 साल से मतलब 10 साल से अब तक दोस्त हैं, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 years। चौथा यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इसे समझेंगे तो काफ़ी चीज़ें बोल पाएंगे। जैसे अभी कोई घटना घटित होती है पास्ट में, अब हमें उसका पीरियड बताना होता है कि इस घटना को हुए इतना पीरियड हो गया। जैसे वो यहाँ से चले गए, तो आप बोलते हो भाई कब चले गए, कितना टाइम हो गया उन्हें यहाँ से जाए हुए, हाउ लॉन्ग सिंस ही वेंट फ्रॉम हियर। सो आप बोलते हो, आप पीरियड बताते हो, अभी 20 मिनट हुआ है यहाँ से निकले हुए उनको, तो इट हैज़ बीन 20 minutes सिंस ही लेफ्ट फ्रॉम हियर। हमारी शादी को 10 साल हो गए, इट हैज़ बीन 10 years सिंस वी गॉट मैरिड। मुझे एक घर खरीदे 5 साल हो गया, तो आप पहले उसका पीरियड बताएंगे, इट हैज़ बीन 5 years सिंस आई बॉट दिस हाउस। मुझे इस कंपनी को ज्वाइन किए 3 साल हो गए, इट हैज़ बीन 3 years सिंस आई ज्वाइन दिस कंपनी। एक हैव बीन को हम लोग पैसिव के अंदर भी यूज़ करते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है पैसिव वॉइस सीखने के लिए। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको हैव बीन बता देता हूँ। जैसे कोई दुकान बंद हो गई, तो हम बोलते हैं द शॉप, द शॉप जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, द शॉप हैज़ बीन क्लोज्ड। कभी आप किसी को इन्फॉर्मेशन देते हो, मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, माई रिजल्ट, माई रिजल्ट एक पैसिव सब्जेक्ट है, क्योंकि वो खुद डिक्लेयर नहीं होता, तो उसको बी फॉर्म से बोलते हैं हैज़ बीन करके, माई रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। कार्ड्स प्रिंट हो चुके हैं, कार्ड्स, अब कार्ड्स बोलते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे हैव बीन का यूज़ करेंगे, द कार्ड्स हैव बीन प्रिंटेड। लेकिन एक और चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, अगर मैं ये बोलता हूँ कि ही हैज़ बीन माई फ्रेंड,
लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया, ही हैज बीन माय फ्रेंड। अगर मैं ये बोलता ही हैज बीन माय फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स, तो ये क्लियर हो जाता कि वो पहले भी मेरा दोस्त था और पहले से पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से अभी तक मेरा दोस्त है, मतलब 2 साल से दोस्त है। ही हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 2 ईयर्स। लेकिन अगर आपने उसके साथ टाइम नहीं बोला तो ही हैज बीन माई फ्रेंड, तो यहाँ पे 2 मतलब निकलते हैं इसके, या तो वो मेरा दोस्त अभी भी हो सकता है या फिर वो रिसेंटली मेरा दोस्त था, वो मेरा दोस्त रह चुका है। ही हैज बीन माई फ्रेंड अगर आप बिना टाइम के बोलोगे तो। हैड बीन को हम लोग पास्ट में यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सुबह से बैठा हूँ, आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर मैं अभी प्रेजेंट में नहीं बैठा लेकिन पास्ट में बैठा हुआ था तो बोलेंगे आई हैड बीन सिटिंग देयर सिंस मॉर्निंग, मैं वहाँ पर पास्ट में बैठा हुआ था। तो हमने हैव बीन को हैड बीन पास्ट के अंदर बोल दिया। हम लोग दोस्त हैं 10 साल से, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 ईयर्स, लेकिन अभी हमारी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है लेकिन हमें बोलना है कि 10 साल से दोस्त थे यार हम लोग, तो बोलेंगे वी हैड बीन फ्रेंड्स फॉर 10 ईयर्स। हैड बीन बता रहा है कि अब नहीं है, पास्ट में थे,